देखिए बच्चों, तो अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर में अपन को क्या दिया हुआ है, देखिए आप आराम से। यहां पर अगर फंक्शन इवन होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ लिमिट लगेगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इवन में दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है फंक्शन, तो टू टाइम्स ऑफ एरिया निकालेंगे 0 से a, ठीक है। और अगर ओड हुआ तो उसका आंसर होगा 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है, इस वजह से 0 होता है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, किंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है। और करते कैसे हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, फिर एक्स को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, और फिर दोनों इक्वेशन को एड करते हैं, ठीक है। तो उससे जो आपको आई निकालना होता है तो इंटीग्रेशन 1 आता है, लगभग बहुत बार देखा गया है। कभी कभी एक्स को रिमूव करने के लिए भी ये प्रॉपर्टी काम आती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, यही मेथड लगाया जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं डेफिनेट से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है एलन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 मानो। अब इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, आप एक्स को 1/t या 1/x से रिप्लेस करके एड करोगे ना, तो एक तरफ आई आ जाएगा, एक तरफ माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, इस तरीके से इसको किया जाता है, ध्यान रखना इसको, है ना, ठीक है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा, वहां पर पहले आपको एक्स इक्वल टू टी करना पड़ेगा, तब जाके ये उस फॉर्मेट में आएगा जो मैंने अभी दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डेफिनेट में आपको ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, ये तो अपने स्टार्टिंग बेसिंग है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, इनडेफिनेट में लिमिट लगाकर। अब आगे प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 में क्या कहते हैं कि अगर लिमिट 0 से 2a जा रही है, ठीक है, और अगर आपने फंक्शन को रिप्लेस किया, एक्स को रिप्लेस किया 2a - x से, उसके बाद अगर फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आता है तो आंसर होगा 0, और अगर एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो 2 टाइम्स लिमिट लगा के, मतलब लिमिट को हाफ करके 2 आगे लगा देंगे, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इसको कहते हैं क्वीन प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसका एप्लीकेशन ये है, ये दे रखा है 0 से π/2 ln sin x dx, इसका आंसर होता है बच्चों -π/2 ln 2, इसको याद रखेंगे अपन, ये होता है बच्चों -π/2 ln 2, यही कोस में भी लग जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बड़ी ध्यान से रखना, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले पार्ट को टी मानना पड़ेगा और लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 है पीरियड की, अगर आपको किसी फंक्शन का पीरियड दे रखा है तो लिमिट में जो पीरियड का मल्टीप्लायर है उसको नीचे उतार दो, बस वो इंटीजर होना चाहिए मल्टीप्लायर, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको बताया साइन का पीरियड कितना होता है, कॉस का क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, तो उसके अलावा बाकी सारा कॉन्स्टेंट नीचे आ जाएगा, बस कंडीशन ये है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं अपन लेबनीज रूल, ठीक है। तो लेबनीज रूल में क्या होता है बच्चों, आपको डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं पीरियड के बारे में बता रहा था, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल में क्या होता है भाई, आपको जब आपको डिफरेंशिएशन करना हो इंटीग्रल लिमिट के साथ, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टी की जगह अपर लिमिट रखोगे फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट से। लिमिट सम, लिमिट सम तो वैसे हट चुका है जेई के पोर्शन से, तो आप चाहो तो बस एडवांस के लिए देख सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, ये हट चुका है। तो अपन क्या करते थे, 1/n की जगह dx रखते थे, ठीक है ना, समेशन की साइकिल की जगह इंटीग्रेशन रख देंगे, और r/n की जगह x रख देंगे, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेट में, और उसके बाद कर लेंगे, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है इसमें ना, ठीक है। तो ये डेफिनेट के पर्पज से देखना आप, क्योंकि जेई मेन में तो आएगा नहीं। हाँ, अब ये इनइक्वालिटीज निकालनी, ये एरिया कैसे निकालोगे आप बच्चों, ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग दे रखा है, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल दे रखा है इसका एरिया है, इस वाले सेक्शन जो मैंने डार्क कर रखा उससे तो बड़ा होगा, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होगा बच्चों, b - a (f(a), ठीक है, और इस इंटीग्रल का एरिया इस बड़े वाले रेक्टेंगल से कम होगा जिसका एरिया होगा b - a (f(b), ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ऐसे ही डिक्रीजिंग होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर कोई मोनोटोनिक ही नहीं है तो सी क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के, ये वाला रेक्टेंगल छोटा होगा और बड़ा वाला रेक्टेंगल तो आपको निकालना आता ही, अभी निकालना बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब अगर आपको डेफिनेट में कहा जाए, डिटर्मिनेशन और फंक्शन पूछा जाए, तो कैसे करोगे आप? जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो दोनों तरफ लेबनीज रूल लगा के, तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश इनटू एफ एक्स, ठीक है। और उधर आराम से अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स साइन एक्स, मतलब अपर लिमिट रख दोगे टी की जगह, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, एफ एक्स कट जाएगा, तो एफ डैश मालूम है आपको, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना तो एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है, आसान है थोड़ा, ठीक है। अब जो अगला फॉर्मेट है ये रिडक्शन फॉर्मूले से यूज किया जाता है। रिडक्शन फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे इसको आई एन मान लिया, तो जैसे मान लो इसको मैंने आई एन मान लिया, तो आई एन माइनस टू क्या होगा इसमें, हाँ इसमें क्या होगा, एन की जगह एन माइनस टू रख दूंगा, और फिर यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, जिससे साइन एच कट जाएगा फिर सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, एक एक करके अपन चीज़ें देखते हैं जो इसमें आपको याद रखने वाली है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व में चलते हैं, देखिए अब अपन पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एरिया, एरिया जो होता है दो तरीके से निकल जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, हाँ तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनी हुई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और वर्टिकल होती है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप होती है वो होती है डी वाई के रिस्पेक्ट में, और वर्टिकल होती है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, मान लो जैसे अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आप तो देख लीजिए एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सॉरी वाई की लिमिट कहाँ से जा रही है, फिर आप एक्स की रख दो डी एक्स निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, है ना। और वर्टिकल में क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है, ओके, फंक्शन में वाई की वैल्यू रखकर, या एक्स की होम में फंक्शन निकाल लोगे, ठीक है। अब दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, फिर उनकी एक्स की लिमिट को लेके जाते हो, तो दोनों फंक्शन में के वाई वन और वाई टू निकाल के दोनों को सेपरेट करके रख दो, और इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लगाओगे। और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाना चाहते हो तो y की लिमिट लगकर कर सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं, जैसे मान लो दो इनवर्स के फंक्शन आ गए, उनका एरिया कैसे निकालोगे, जैसे मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का देख रखा है, और x एक्सिस, इनका एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो क्या कर लो, इनका इंटरसेक्शन आपको पता है पाई बाय 4 आता है, ठीक है, पाई बाय 4 पर आता है 1/√2 x की वैल्यू। तो सबसे पहले तो 0 से 1/√2 में लोगे, तो पहले कौन सा फंक्शन कम आ रहा है, साइन इनवर्स, फिर 1/√2 जो 1 तक जाओगे तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस इनवर्स। तो इस तरीके से एरिया निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, ये नस वाले फंक्शन। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए फटाफट, है ना, तो मैं आपको जल्दी से याद दिला रहा हूँ कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया है, अब अपन आगे चलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर पैराबोला दे रखा है, स्टैंडर्ड एरिया दे रखा है, मान लो दो पैराबोला दे रखा है, तो क्या करोगे, पहले इंटरसेक्शन निकालोगे, सोल्व करोगे, ठीक है ना। लेकिन एक रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिजल्ट है, अगर आपको दो पैराबोला दे रखा है तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, वरना तो इंटरसेक्शन करके निकाल सकते हो, जैसे मैं अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। अब अगला आ गया, जैसे एक पैराबोला एक लाइन के बीच का एरिया, ये भी अगर आप चाहो तो रिजल्ट निकाल सकते हो, या फिर वो इंटरसेक्शन करके निकाल सकते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, ठीक है, तो वो भी आसानी से आप निकाल सकते हो। ये एरिया इस तरह का दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना, ठीक है। आगे जैसे मान लो एक पैराबोला दे रखा है, डबल ऑर्डिनेट का एरिया पूछ रहा है, तो आप इस एक एरिया निकाल के उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये भी थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। अब आता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में, अपन क्या करते हैं बच्चों, जो भी कर्व होता है उसके सेंटर को निकाल कर, फिर अपन जैसे मान लो x माइनस टू आ गया या वाई माइनस वन आ गया, तो उनकी जगह कैपिटल x और कैपिटल y रख देते हैं, और फिर दो कर्व के बीच का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से क्या होगा, वो ऊपर ही तो उठ के जाएगा, ठीक है, अगर वो ऊपर उठ के जा रहा है तो उनका इंटरसेक्शन जो एरिया है वो तो ही बदलेगा, ठीक है। तो उनको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में करके अपन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा भी पहले जो अपन ने किया था इंटरसेक्शन निकाल के, ठीक है ना, अगर उनके शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब जो भी जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ, अगर वो सेम जगह पर हुआ है तो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी इस तरह के कर्व को कैसे बनाओगे बच्चों, पहले तो आपको इसका कर्व ट्रेस करना पड़ेगा, तो पहले तो क्या कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो वाई को रिप्लेस करके,
एक्स की वैल्यू हो जाएगी, फिर इन एक्स की वैल्यू पे दोनों कर्व में वाई की वैल्यू भी निकाल लो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कर्व एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो उससे ट्रेस कर पाओगे, ट्रेस कर पाओगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा एरिया पूछ रहा है। कभी कभी कर्व ट्रेसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे कर्व का डायग्राम ही नहीं बना पाते, ठीक है ना, तो डायग्राम बना लोगे तो एरिया आइडेंटिटी करो थोड़ा आसान पड़ेगा। डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है बच्चों, कि आपको पहले से ही एरिया दिया होता है, लिमिट दी होती है, फंक्शन दिए होते हैं और एक कांस्टेंट छुपा होता है बीच में, जैसे यहाँ छुपा हुआ है देखो लिमिट दे रखी वाई इक्वल टू सी, तो कह रहा है कि इसका एरिया अगर 9/4 होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो पूरा प्रोसेस वही है क्वेश्चन को सोल्व करने का, बट लिमिट आप एक बार सी ले लेना, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका और एरिया को 9/4 कर देना और सोल्व कर लेना, तो ये आसानी से आप सोल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एरिया आइडेंटिटी कर्व में पूछे गए हैं, ओके, जनरली एडवांस में आते हैं लेकिन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीच बीच में, तो अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखो अगर आपसे कहा जाए कोई फंक्शन दे रखा है और उसका इनवर्स दे रखा है, उसका एरिया पूछे साथ में, ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपसे बात भी की थी डेफिनेट के टाइम पर, एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि अपर लिमिट का दोनों की अपर लिमिट को मल्टीप्लाई कर दो माइनस दोनों की लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आंसर, ठीक है, ओके, तो ऐसा करके आप सोल्व कर सकते हो, है ना, या तो दूसरे वाले फंक्शन में वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई रखकर भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो यहाँ तो आपको एओडी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एओडी का यूज कर सकते हो यहाँ पर जो, या फिर आप जो सी की वैल्यू है मिनिमम कहाँ होगी ए प्लस बी बाई टू पर, अगर एक्स की वैल्यू ए और बी दे रखी तो उसके मिड पॉइंट पर ही जनरली मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू देता है। एवरेज वैल्यू किसे निकालते हैं बच्चों, ए से बी में इंटीग्रेट कर दो और डिवाइड कर दो बी माइनस से ए से, तो ऐसे एवरेज वैल्यू निकल जाएगी आपके फंक्शन की, ठीक है। अब अगला आ रहा है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है भाई, देखो यहाँ पर एवरेज वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, ठीक है, ओके। चलो अब आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, है ना, ये तो मीन हो गया, लिमिट लगा लोगे तो मीन निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो आरएमएस वैल्यू में क्या करना पड़ता है, पहले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, फिर लिमिट लगा दो ए से बी और डिवाइड कर दो बी माइनस ए से, और फिर उसका स्क्वायर कर दो, ये आरएमएस वैल्यू जाएगी, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। चलो अब आता है डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर मान लो कोई एरिया आपको दे रखा है, मान लो एक ही फॉर्म में एरिया दे रखा है और फंक्शन में जब आपने लिमिट लगाई वो भी एक ही फॉर्म में आ गया है, ठीक है, दोनों सेम फॉर्म में आ गए तो आप एक की जगह एक्स रख सकते हो, तो आपको पूरा फंक्शन मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जनरली जे एडवांस में आते हैं, ठीक है, हाँ। तो अब देखो ये हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया, हाँ ये स्टार्टिंग का स्टार्टिंग की थ्योरी, अब आ गई इसमें वर्टिकल स्ट्रिप है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको, हाँ ये वही आगे कर्व ट्रेसिंग करना, मान लो दो एरिया दे रखा आपको बनाना नहीं आता है, तो पोलर फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, मतलब आर कोस थीटा आर साइन थीटा का, ठीक है, या फिर कर्व ट्रेसिंग का जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका भी आप लगा सकते हो, तो आराम से एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी देखो नीचे दे रखा है एरिया, तो यहाँ पर एक्स की जगह आर कोस थीटा आर साइन थीटा लिखोगे तो थीटा को रिप्लेस कर दोगे आप, तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद फिर आप एरिया निकाल देना जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, एक्स एक्सिस या पूरा पूछ रहा है, तो एक एरिया निकालो और फिर उसको चार से मल्टीप्लाई करो, है ना, कर्व ट्रेस करने के बाद, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब आते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। अब इसमें देखते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले बताता हूँ ऑर्डर तो क्या होता है, जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जितना हाईएस्ट डिग्री डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट मिलेगा वही उसका ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होता है, डिग्री जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वहां पर अगर कोई आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है हाईएस्ट ऑर्डर वाला अगर वो रेडिकल से फ्री है, जैसे यहाँ दे रखा है 1/4 पावर दे रखा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, दो तरफ पावर 4 करोगे तो आपको इसकी पावर हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आ जाएगी 4, वही डिग्री कहलाएगी। और दूसरे वाला देखो डिनोमिनेटर में दे रखा है, जब आप एलसीएम लोगे तो ऑर्डर तो 1 आएगा लेकिन जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगा, तो डिग्री 2 हो जाएगी, इस तरीके से डिग्री निकाली जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे अपन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हट चुका है ना जेई के सिलेबस से, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि जितने कांस्टेंट होंगे, जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें 3 ऑर्बिटरी कांस्टेंट है तो कितने ऑर्डर होंगे, 3 ऑर्डर होंगे। अब आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन दे रखी है आप पढ़ लेना, वैसे तो इतने काम की है नहीं है, ठीक है ना,
कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हो एक्स और वाई है ना, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये जहाँ पर होंगे यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। हाँ तो ये डिपेंड बेसिक कंडीशन थी। अब आ गया जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो जनरल सॉल्यूशन तो होता है कि आपने सोल्व कर लिया वाई की वैल्यू आ गई ए बी सी की फॉर्म में या एन की फॉर्म में, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ए बी सी की वैल्यू कुछ दी होगी, जैसे मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया ये जो बॉक्स बना रखा है ये तो हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू रिजाइन कितनी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने ए बी सी की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट रख दी जैसे मैंने अभी रख दिया है तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये एक लोता सॉल्यूशन है बस, है ना, और वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में, है ना, जितनी वैल्यू रखोगे ए बी सी की उतने सॉल्यूशन आएंगे। चलो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं अभी अपन, है ना। ये तीन तरीके हो गए, है ना, पहला हो गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हो गया होमोजीनियस, तीसरा हो गया लीनियर, और फिर इनमें रिड्यूसिबल भी आता है कि कन्वर्ट करके भी अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में तो चार तरीके होते हैं, होमोजीनियस में अगर नहीं बन रहा होगा तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लीनियर में अगर नहीं बन रहा होगा तो बर्नौली से मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि x को x के साथ और y को y के साथ ले जाते हैं और फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सेकेंड टाइप क्या आता है कि जब नहीं बन रहा हो वेरिएबल सेपरेबल तो अपन किसी को फंक्शन को टी मानते हैं, टी मानकर फिर अपन डी टी बाई डी एक्स निकाल के रिप्लेस करते हैं डी बाई डी एक्स को, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे भी रखा है मैंने, देखो यहाँ रखा है x प्लस वाई आ रहा है तो ये वेरिएबल से प्रॉब्लम हो नहीं पाएगा तो इसको t मान लो, t मानकर dy बाई डी टी बाई डी एक्स निकाल के dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में अपन क्या करते हैं जनरली x x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा करके अपन इसको x और थीटा की फॉर्म में सोल्व करते हैं, dr की फॉर्म में, सॉरी, है ना। तो ये रिजल्ट है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो ये तरीका भी अपन लगा सकते हैं इक्वेशन में, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा रखकर। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन बच्चों जब भी x और y की डिग्री पूरी एंटायर इक्वेशन में सेम है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अगर डिवाइड में दे रखा है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री भी सेम होनी चाहिए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। जैसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ पर 2 डिग्री देते हो न्यूमिनेटर की और 2 डिग्री डिनोमिनेटर की आ गई दोनों, ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व कर, देखो यहाँ पे डिग्री सेम बता रहा हूँ पूरी एंटायर इक्वेशन में, ठीक है। कभी कभी डी मतलब ये देखो ये मैंने बना रखी है यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन, अपन इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चे? होमोजीनियस इक्वेशन को y इक्वल टू वी एक्स रख के फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे या x बराबर वी एक्स रख लोगे, वी वाई सॉरी, और फिर उसके बाद क्या करते हो y की का डिफरेंस करोगे तो dy बाई डी एक्स आपके सामने आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको रिप्लेस करके सोल्व किया जाता है। फिर आखिरी वेरिएबल से प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता होगा ना, तो ये कर सकते हैं आराम से। रिड्यूसिबल में क्या करते हैं अपन? रिड्यूसिबल में अपन क्या करते हैं बच्चों? वहाँ पर अपन किसी फंक्शन को टी मानना पड़ेगा अगर सेम दिख रहा है तो, उसको करने के भी तीन चार तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो पहला तरीका होता है जब कुछ नहीं हो रहा है तो एक्स की जगह यू प्लस एच और वाई की जगह वी प्लस के करके कॉन्स्टेंट पार्ट को जीरो कर देते हैं और फिर इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाकर उस पार्ट को सोल्व किया जाता है और आखिरी में x और y की वैल्यू रख दी जाती है, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है, इसमें अगर आपने देखा ये वाला सेक्शन अगर बराबर आ गया जो मैंने गोला बना रखा है तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, है ना। अगर ये जो रिजल्ट दे रखा है यहाँ पर, हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है ना, ओके। कैसे? कि जब इसका सेकेंड पार्ट और इसका सम, इन दोनों का सम क्या आ जाए, हाँ, ये जो एरो बना रखा है इनका सम अगर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगले जो दोनों पार्ट है उसमें तो आप टी मान के कर लोगे क्योंकि आप देखो बी वाले पार्ट में इक्वेशन दे रखी है वो आराम से, हाँ, इसको टी मान लोगे तो नीचे वाला टू टी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो आराम से सोल्व किया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन से जरूरी नहीं करना। अब मिक्सर प्रॉब्लम में क्या होता है भाई? मिक्सर प्रॉब्लम अगर आपके आती है एग्जाम में, वैसे तो एडवांस में आती है, तो इसमें क्या करना पड़ता है? मिक्सर प्रॉब्लम का ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को याद रखना। तो मिक्सर प्रॉब्लम वाली क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, जब भी मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसको ईजीली किया जा सकता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान रख सकते हो।
चलो अब इसके बाद चलते हैं अपन, अब चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। हाँ तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई? वो होता है dy बाई डी एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो वहां पर e क्या होता है भाई? देखो मैंने लिख दिया है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकाला जाता है जो होता है e की पावर p dx, है ना। फिर सेकेंड निकाल जाता है इसका सॉल्यूशन, if निकाल लिया। दूसरा निकाल जाता है इसका सॉल्यूशन, वो कैसे निकालते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है। तो dy बाई डी एक्स से ना हो तो dx बाई डी वाई भी कर सकते हो आप। देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पर, वहाँ x की जगह y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो सॉल्यूशन होगा वहाँ भी y की जगह x रख देना और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें आती है रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसको बर्नौली थ्योरम कहा जाता है। तो इसमें करना क्या होता है भाई, ये वाई की पावर एन आ रहा है ना, इससे फंक्शन को डिवाइड कर दो। ठीक है, और उसके बाद वाई की पावर एन, ये जो मैंने गोला कर रखा हो उसको टी मानेंगे तो डी टी बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप वाई की पावर टू से डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद वाई की पावर माइनस वन को टी मान लेना, तो वाई की पावर माइनस टू डी टी हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ये अपन ने कर लिया है। अब इसमें याद रखने वाली टर्म कौन सी होती है भाई, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं जहाँ पर सब्सटीट्यूट किए बिना क्वेश्चन होगा नहीं। जैसे मैं ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर की जगह जेड रखना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएट करना, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो भी क्वेश्चन में रख देगा, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना इसके बिना हो नहीं पाएगा। सब्सटीट्यूट करके भी बहुत बार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने बता दिया, आपके ध्यान में रहे, जब भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ेगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो लिस्ट है ये पूरी याद रखो, इसमें से सारी याद ना हो तो ये पहला याद कर सकते हो आप। ठीक है, ये दूसरा कर सकते हो। ठीक है, तीसरा भी, ये पांचवा भी थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, है ना, ये याद होना चाहिए आपको। सातवा भी कर सकते हो, थोड़ा याद रहेगा तो आपको पता लगनी चाहिए कि इस ये टर्म आती है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना। फर्स्ट थर्ड तो याद होनी चाहिए, सेवन्थ हो गया। ठीक है, और इधर से सिक्स वाले भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करके निकाला हमने, और एक सेकेंड वाला ये तो पक्का याद होना चाहिए आपको, बाकी अगर ना भी करो तो चले जाता हूँ, लेकिन ये तो दिखना चाहिए कि कभी ये दिख जाए तो डायरी भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब चलता है मैं डिटर्मिनेंट की तरफ, डिटर्मिनेंट से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किस तरीके से निकाला जाता है डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा रही है यहाँ पर, वो अपन को सोल्व करनी आती है, कैसे फर्स्ट रो से कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना। ये तो देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये तीनों रो होती है, रो वन रो टू रो थ्री, ये कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री, ये तो अपन जानते हैं अच्छे से। ठीक है, एक्सपेंड करना भी जानते हैं हमारे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं फर्स्ट रो से उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, हाँ ये फॉर्मूला हमको पता ही है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना काम आएगा। चलिए जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखी है, तीन इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा, अगर तीनों कौन करंट है, तो पढ़ा था लाइन में अपन ने कि कौन करंट है, तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट के अंदर रख दो, जीरो कर दो। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन में पढ़ा था अपन ने डेल्टा की वैल्यू, देखो ये पूरी डेल्टा की वैल्यू ये जीरो होती है अगर आपको पेयर ऑफ लाइन कहा गया है तो। ठीक है, दो लाइन का समूह है तो। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि दो लाइन दे रखी है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू को क्रेमर रूल से। तो क्रेमर रूल के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट में रख दो। ठीक है, ओके, वो डी निकल जाएगा। फिर डी वन क्या होता है, डी वन जो इक्वल टू में जो कॉलम दे रखी है ना सी वन सी टू को, उसको फर्स्ट कॉलम में रख दो तो वो डी वन हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में रख दोगे तो वो डी टू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं डी वन अपॉन डी, और वाई की वैल्यू निकालते हैं डी टू अपॉन डी। ठीक है, इस तरह की थ्री इक्वेशंस तो एग्जाम में पूछी भी जाती है, डिटरमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है ना, तो उससे क्वेश्चन आते हैं।
ये तो टू दो दो लाइन के इक्वेशन से लीनियर, तो ये नहीं पूछा जाता जनरली। अगर तीन वर्टाइसिस दे रखे हूँ तो डिटरमिनेंट का, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका भी आपने ये पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में डिटरमिनेंट के अंदर वर्टाइसिस रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आर के लिए 1 2 3 रखोगे तो वर्टाइसिस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों कोलिनियर है, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक लाइन में होंगे तो ऐसे लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। चलिए तो माइनस की बात करते हैं। माइनस क्या होता है भाई, आपको जो भी माइनस, ये ए 1 2, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वही माइनस होगा। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में ये फॉर्मूला लगता है -1 की पावर i+j। ठीक है ना, तो मतलब जो भी माइनस होगा उसके आगे प्लस माइनस साइन लगा दोगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। जैसे अभी मान लो आपको c12 चाहिए तो -m12 के बराबर होगा, क्योंकि -1 की पावर 1+2 कितना होता है 3, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से कोफैक्टर भी निकाल सकते हो उसकी रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को हटाकर। ठीक है, और प्लस माइनस लगाते हैं डिमांड के हिसाब से। ओके, ठीक है, वो निकालना आता ही अपन को कैसे रो और कॉलम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ किस किस तरीके से अपन इनको याद कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्लास में ये पढ़ाया गया था। चलिए अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो वैसे जेई के सिलेबस में नहीं है, हट चुकी है। ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं अपन, जेई के सिलेबस से प्रॉपर्टीज हटाई गई है। फिर भी आप याद रखना कि डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सारी रोज को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दो तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखने में क्या जा रहा है, क्या पता कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाए इससे। प्रॉपर्टी टू क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी रो कॉलम को इंटरचेंज किया आपस में तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर बराबर हो गए, इक्वल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है अपन ने कि किसी भी डिटरमिनेंट को अगर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम में। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर डिटरमिनेंट में जो रो या कॉलम के कोफिशिएंट एलिमेंट दे रखे हैं, अगर वो प्लस की फॉर्म में दे रखे हैं तो उसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी अपन को याद होगी तो फायदा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो जरूरत पड़ती पड़ेगी, है ना। स्ट्रेट लाइन में कैसे करोगे, मान लो आ गया था क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी फाइव बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि किसी भी रो में उस रो के साथ दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके, सेपरेट करके ऐड कर सकते हो, किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखना, काम आएगा। ओके, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हट गई, लेकिन डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करोगे फिर, अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं लगाओगे तो सोल्व कैसे करोगे, जल्दी इन प्रॉपर्टी से जल्दी सोल्व आता है, इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, स्किप मत करना इसको, ये काम आएगा बड़ा आपके, है ना। अब आ गया मैट्रिक्स पॉलीनोमियल क्या होता है। एक पॉलीनोमियल दे रखा वहां पर, अगर एक्स की जगह आपने मैट्रिक्स रख दिया तो वो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये डिटरमिनेंट दे रखा है ना, जिसका आंसर याद होना चाहिए, x-y, y-z, z-x, ये याद होना चाहिए। अगला रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, निकाला कैसे था ये तो आप देख लेना। तो ये रिजल्ट, दो तीन रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ये तीसरा रिजल्ट देखो, ये कभी आता है तो ये -a³b³c³ - 3ab होता है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया हमारा मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन आता है, दो भी आ सकते हैं इससे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते जाता है इसके। अब मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है, देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बारे में तो मैंने डिटरमिनेंट में ही बता दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। देखो ये जो आपका आई है दिखाता है नंबर ऑफ रो को, और जे दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम को। रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये दिखा सकता है आराम से। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गया, है ना। इसको दिखाने का तरीका आपको दिख ही रहा है कैसे दिखाया जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ, अगर इसके एलिमेंट रियल है तो ये रियल मैट्रिक्स, इमेजरी है तो इमेज, मतलब कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं m(n)n, जितने रो और कॉलम होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके। अब इनके टाइप देख लो भी कि रो मैट्रिक्स क्या होती है भाई। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो, दिख रहा है आपको। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। जीरो या नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, है ना।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखो, जो हॉरिजॉन्टली बड़ी हो, मतलब जिसमें नंबर हो, कॉलम ज्यादा हो रो की अपेक्षा, ठीक है, कह दो कॉलम की संख्या ज्यादा हो रोज से, ठीक है ना। अब अगला आएगा वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं कॉलम से, दिख ही रहा है वर्टिकली जो लंबी हो, है ना, रोज की संख्या कॉलम से ज्यादा होगी। आगे चलते हैं, अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। ओके, जैसे 2x2 हो गया, 3x3 हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए रिजल्ट। आगे चलते हैं, अब कॉन्जुगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, aij बराबर aji, जैसे a12 हो गया एलिमेंट, वो a21 के बराबर होना चाहिए, a13 a13 के 13 31 के बराबर, मतलब इनको आप जो बराबर नहीं होते, मतलब ये कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन से कहलाते हैं, जब रो और कॉलम बराबर हो, जैसे a11 a22 a33, और इनके सम को अपन ट्रेस कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट के सम को कहते हैं ट्रेस कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर या नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, तो अपर में तो क्या होते हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, और लोअर ट्रेंगल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं, ये याद रखने का तरीका। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, इसके अलावा में क्या होगा कि डायगोनल के एलिमेंट कॉन्स्टेंट होते हैं, सेम होते हैं, और यूनिट में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए अपन को। अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन किस में बेटा, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में, तो वो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना, n(n-1)/2, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है ना, और अगर आपसे पूछा जाए डायगोनल में तो वो हो जाए n(n-1), ठीक है, ओके, क्योंकि डायगोनल में दोनों साइड होता है और ट्रेंगुलर में एक ही साइड होता है, इसी वजह से उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है n(n-1) डायगोनल के लिए, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब भी किसी उसके रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके हर एक एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के, जैसे a11 a11 के बराबर होगा, ऐसे a21 a21 के बराबर दोनों के। अब देख लेते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है, और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट में भी ये कंडीशन लग जाएगी ऐड और सबट्रैक्शन वाली, कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट जैसे a11 a11 में ऐड होगा, ठीक है, ओके। अब देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करो तो जीरो आ जाए तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल तब पॉसिबल है बच्चों कि जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर हो, जैसे यहाँ से 3 और ये बराबर होगा तब ही ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब ए बी का ऑर्डर क्या बचेगा, जो बच गया 2×3, जो गोले के बाद बच गया वही ऑर्डर बच जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी यहाँ जैसे ए बी पॉसिबल हो तो जरूरी नहीं कि बी भी पॉसिबल होगा, जैसे यहाँ बी ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वो रूल नहीं लगा जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट की कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तो वो यानी तब नहीं हो पाया पॉसिबल, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी देख लो, ये कम्यूटेटिव नहीं होती हमेशा, आप नहीं कह सकते कि ए बी बराबर बी ए होगा जब तक दोनों के ऑर्डर सेम ना हो, ऑर्डर सेम हो तो ए बी और बी ए पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर ऑर्डर अलग लगे तो नहीं हो पाएगा हमेशा। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों मैट्रिक्स नल होगी, नहीं, ये भी हो सकता है कि दोनों नल ना हो, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो देख सकते हो आप, ठीक है ना, हाँ, तो ए बी जीरो है तो जरूर नहीं बी यू बी जीरो, इस तरह से मैट्रिक्स लिखी हो तो इसको आपस में आप काट नहीं सकते हो एक हो ऐसे, है ना, ये कोई तरीका नहीं होता, लेकिन अगर बी बराबर सी लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे दोनों तरफ, ठीक है ना, ओके ओके। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, इनको देख लीजिए आराम से, ए बी बी ए के बराबर होगा तो इसको एंटी कम्यूनेट कहते हैं, कम्यूट का मतलब होता है ए बी बराबर बी ए, और एंटी कम्यूट का मतलब होता है ए बी बराबर माइनस ऑफ बी ए।
किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। कोई नल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, पता ही सबको है ना, तो ये कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, किसी भी आप डिटरमिनेंट से दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरी एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब किसी दो को तीसरे से मल्टीप्लाई करो या तीसरे को दो से करो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव आप जानती हो, तो इन प्रॉपर्टीज को देखते रहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यस, अगर आपको ए स्क्वायर चाहिए मैट्रिक्स में तो आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैट्रिक्स को, तीन बार चाहिए तो तीन बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लायर। इस पर क्वेश्चन एडवांस में पूछता, जेई मेन में पूछता है इससे भी। मैट्रिक्स पॉलीनोमियल क्या होता है, किसी पॉलीनोमियल में एक्स जगह आपने मैट्रिक्स रख दिया तो वो मैट्रिक्स पॉलीनोमियल हो जाएगा, ठीक है, और जो इसका रूट था वही फिर मैट्रिक्स का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको इस पर इनवर्स क्वेश्चन पूछता हो तो इसको ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टीज को। आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पर क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो आइडेंपोटेंट कहलाती है। कभी कभी स्क्वायर भी नहीं आती, कभी कभी क्यूब करने पर भी आती है, ठीक है ना। तो लेकिन दो से जरूर होता है मैक्सिमम, इसका तीन पे भी आ सकती है, चार पे भी आ सकती है, आइडेंपोटेंट, ठीक है। चलो अगली आ गई आपकी निलपोटेंट। निलपोटेंट का मतलब कभी भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसके बाद अगर वो नल मैट्रिक्स बन जाती है तो फिर उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने में 0 आ जाए, है ना, ओके, क्यूब करने पे 0 आ जाए तो उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का की पावर n प्लस 1 करने पर अगर a आ गया है तो n उसका पीरियड होगा। जैसे अपन आइडेंटिटी में पढ़ा था कि ए स्क्वायर बराबर ए था तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको ए की पावर 1+1 की लिख दोगे आप, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का इस क्यूब करने पे मान लो आ गया ए तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, बच्चा 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज है ध्यान रखना, ये पीरियड मैंने बताई दिया था, आइडेंटिटी का 1 होता है तो आप कर सकते हो, है ना। इनवोल्यूटरी में मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आ गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो वो ट्रांसपोज हो जाता है उसका, या फिर कॉलम को कर दो रोज में तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वही आ जाएगा वापस, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का ट्रांसपोज होता नहीं है, है ना, ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो बी, हाँ ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हाँ तो ये रिजल्ट है कुछ, ये याद रखना भाई, ये रिजल्ट बहुत काम आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो वो होती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन क्या है यहाँ पर ऑर्डर है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट भरने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे माइनस हो उसके बाद मैट्रिक्स के बराबर आता है तो वो कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, याद रखना है इनको, इनका डिटरमिनेंट तो सेम ही होता है, अगर स्क्यू होगा तो उसके डिटरमिनेंट में माइनस बाहर निकल के जाएगा, इसीलिए उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक होती है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमेशा बच्चों, है ना। ये मैंने बताई गई, ये सिमेट्रिक कहलाती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आती है तो वो कहलाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और माइनस के बराबर आएगी तो स्क्यू कहलाएगी। हाँ सिमेट्रिक और स्क्यू बताई दिया मैंने, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, इसको तो आराम से कर डालना, ठीक है। हाँ ये होता है सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और अगर ट्रांसपोज लेने पर माइनस आया तो स्क्यू हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, अगर ए और बी के बारे में आपको कुछ नहीं बोला गया है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज 100% सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और ट्रांसपोज स्क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो आपसे कहा जाए एग्जाम में कि इसकी का
सिमेट्रिक वर्जन निकालो, तो किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक वर्जन कैसे निकालोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू कर दो, और उसका स्क्यू वर्जन कैसे निकालोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू कर दो, खत्म। तो ऐसे निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगला एग्जाम में आता भी है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स अगर आ गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मान लो ये रिजल्ट हो गया, ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट है, इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो या फिर एग्जाम में निकाल लेना, याद रख लोगे तो थोड़ा समय बच जाएगा आपका एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो करते क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल दो, उनको उन एलिमेंट की जगह रख दो और ट्रांसपोज कर दो उसका, तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। ओके, क्या करना है, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के वहां रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो एडजॉइंट हो जाएगा उसका। अब टू बाई टू का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो आप, तो डायगनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर दो और जो बचे हुए एलिमेंट में माइनस लगा दो, डायरेक्ट हो जाता है टू बाई टू में अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो, ठीक है। इसको आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो, टू बाई टू में फटाफट एडजॉइंट निकल जाता है। अब प्रॉपर्टीज, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना इसको। यहाँ प्रूफ भी दे रखा है, प्रूफ अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, अभी जवाब इतना कर लो। किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लोगे तो आएगा डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन, एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, ध्यान रखना है बात। अगर दो बार ले लिया तो डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तीन बार ले लिया तो डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का की पावर होल थ्री, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, प्रूफ मैंने प्रूफ दे रखे, प्रूफ आप मत करना, आप तो सिर्फ फॉर्मूले को रिवाइज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, दो प्रॉपर्टी और आती है, एडजॉइंट के अंदर के इंटू ए लिखा है ना, तो के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा तो उसकी पावर हो जाएगा एन माइनस वन और फिर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा ही अगर डिटरमिनेंट के अंदर के लिखा है, डिटरमिनेंट के अंदर के लिखा है, हाँ, और उसको बाहर निकालोगे तो के की पावर एन बार आएगा, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में काम आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, ध्यान रखना इन दोनों प्रॉपर्टीज को। क्वेश्चन इसी से बनेंगे, एडजॉइंट वाले। इनवर्स, इनवर्स तो क्या होता है भाई, किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो वो उसका इनवर्स हो गया। फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला जरा सा है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू, इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसको उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो। डिटरमिनेंट अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा इनवर्स निकाला जा सकता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दे रखी है, उनको देख लेना, बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दी थी, किसी भी प्रॉपर्टी का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के पहले आप ट्रांसपोज कर सकते हो, ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, देख लेना, है ना। किसी इन्वर्स का डिटरमिनेंट लोगे तो वन अपॉन डिटरमिनेंट के बराबर होगा, है ना। तो इन प्रॉपर्टी को देखना, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको इसमें दिखा ही चुका हूँ, है ना। देखो देखो, यहाँ पे एडजॉइंट अगर ए बी का ही निकालना है तो यहाँ भी वैसे होगा ट्रांसपोज की तरह, जैसे ए बी का ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनवर्स भी ऐसे होगा, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ही एडजॉइंट में भी होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान रखना प्रॉपर्टीज को। ये आ गया इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसको अपन क्रेमर रूल्स करते हैं। तीन इक्वेशन दे रखी है, ऐसे निकाल लो, ये ए के लाएगा, दूसरा वाला बी के लाएगा, एक्स के लाएगा और आखिरी वाला बी के लाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स के लिए आप निकाल सकते हो, वो आ जाएगी ए इनवर्स बी, जिसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, देख लेना। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा बच्चों, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो और जो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट इनटू बी, ये भी जीरो हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दोनों में से एक ही जीरो हुआ, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ जीरो हुआ सिर्फ, ऊपर करनी हो तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं वेक्टर। अब वेक्टर में सबसे पहले देख लेते हैं अपन एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरह से बनाए जाते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहे हैं आराम से, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है।
अब बात करते हैं ऑक्टेंट की। यहाँ पर जो ऑक्टेंट दिया हुआ है, ऑक्टेंट कैसे निकालते हैं बच्चों अपन, देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे अपन। ये देखो मैंने एक्स वाई जेड दिखा दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑक्टेंट किस तरह से अपन निकालते हैं। ऑक्टेंट सबसे पहले क्या करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट है उसमें 4 + 4- लेंगे, वाई वाले में क्या लेंगे, 2 + 2- ऐसे करके लेंगे। एक्स में क्या करेंगे, पहला और आखिरी प्लस होना चाहिए और बीच में 2 - 2+ और 2-, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको ऑक्टेंट कि कौन से ऑक्टेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकल जाता है ये अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट के टाइम से ही। बस यहाँ पर J2 - J1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बस, है ना, बाकी सब अपन अच्छे जानते हैं, है ना, ठीक है। ओरिजिन से क्या होगा, x² + y² + z², है ना, ये भी आराम से अपन निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट की बात की जाए तो मिड पॉइंट भी अपन को निकालना आता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ अपन ने, ठीक है ना, तो बिल्कुल सिमिलर है उसकी तरह, है ना, इसको देख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, अगर P और Q को कोई पॉइंट R 1:K1 में कट कर रहा है तो R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही यही निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, है ना बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये इंटरनली बाइसेक्टर हो गया, अगर माइनस लग जाएगा तो एक्सटर्नली बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक, ओके। अगर किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ये सेंटर निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना। और अगर इन सेंटर की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होता है, ये भी अपन ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। डेफिनेशंस, वेक्टर को दिखाया गया जाता है बच्चों, है ना, एक ए बी के ऊपर एरो लगा दिया जाता है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है जिसकी का इनिशियल पॉइंट ये दे रखा है और ये दे रखा है फाइनल पॉइंट, मतलब जिसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, है ना, ठीक है। इस तरह के दिखा जाता है डायरेक्शन का, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, है ना, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को दिखाया जाता है मोड लगाकर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस वेक्टर की ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, निकाल सकते हैं अपन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है बच्चों, देखो मैं बना के बता दूं यहाँ पर, एक्स एक लाइन है ओपी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। देखो देखो ये हो गई ओपी लाइन, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए, जैसे एक्स के साथ अल्फा वाई के साथ बीटा जेड के साथ गामा बनाए, तो इनका कोस वेरिएबल जो आएगा वही डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहलाएगा। इनको एलएमएन कहते हैं, LMN, है ना। तो यहाँ एक कंडीशन होती है कि L² + M² + N² वो क्या होता है 1, ठीक है। तो जनरली इस पर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते हैं, है ना। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन तो कहीं भी जा सकती है उसकी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, अपन आराम से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है। इसको लिखा भी जाता है इसके ऊपर केप लगाकर, जैसे एक के ऊपर केप लगा दी, एक केप जिसको निकाल के जाता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये जनरली डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या, को इनिशियल वेक्टर का मतलब है जो वेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं उनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, और को टर्मिनल मतलब जो एक ही पॉइंट पर एंड होते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया जो वेक्टर एक ही प्लेन में है वो कोप्लेनर कहलाएंगे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब जो वेक्टर माइनस के बराबर हो, मतलब जो मतलब डायरेक्शन जिनकी अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, ओके। फ्री वेक्टर क्या होता है, जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, जिनको उठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, अपन जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, सबसे ज़्यादा यही पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो अपन ट्रायंगल लो पढ़ रहे हैं, तो इस बी वेक्टर को उठाकर पैरेलल लेके आ गया, ये फ्री वेक्टर था इसीलिए कर पाया सब, और ए वेक्टर को उठा हुआ पढ़ ले गया, तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना बच्चों। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, जिसमें मतलब इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है, तो लोकलाइज कर दिया भी वो वहाँ का लोकल वेक्टर हो गया, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। हाँ अभी देखो, ए अगर दो वेक्टर दे रखे हों तो आपको दो वेक्टर का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालोगे, वही वेक्टर का मैंने कर लिया, ये जो इसका डायगोनल होता है ये इसका सम होता है, रिजल्टेंट, है ना। अगर इसी वेक्टर को नीचे ले जाओ तो ये माइनस भी हो जाएगा, इसका पैरेलल ले लो सामने माइनस भी का, तो ए माइनस भी, हाँ ये ए हो गया, इस माइनस भी के पैरेलल एक वेक्टर लेंगे, हाँ ये हो जाएगा माइनस भी। अब इसको डायगोनल को मिला लेंगे तो ये अब इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिजल्टेंट रहेगा लेकिन ये ए माइनस भी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। पॉलीगन लॉ क्या कहता है,
पॉलीगन लो क्या कहता है देखो यहाँ पर कि कोई भी पॉलीगन के सारे वेक्टर जहाँ पर एक जगह मिल रहे हैं लास्ट वाली अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वही उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज इनको आप देख लो, ये तो आप जानते हो। ठीक है, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, एडिशन लो, इन्वर्स लो, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये सब जानते हो आप, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट होता है आई केप, वाई कंपोनेंट होता है जे केप और जेड कंपोनेंट होता है के केप। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, ओके। उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देख पा रहे हो आप आराम से। ठीक है, अगर दो वेक्टर क्या है बच्चों, ऐड किया जाएगा तो ऐड हो जाएगा आपस में। ठीक है, ओके, हाँ। और सबट्रैक्ट किया जाएगा तो सबट्रैक्ट भी हो जाएगा अपने अपने कंपोनेंट में, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर बोला गया है कि दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं, तो उनके कोएफिशिएंट के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट के कोएफिशिएंट के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ओके, अगर पैरेलल दे रखे हैं तो। चलो अब आगे चलते हैं, बस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया जाए किसी कांस्टेंट से, पॉजिटिव से किया जाए, तो वो उसके पैरेलल हो जाएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप नेगेटिव के साथ करोगे, क्या बच्चों, अगर आपने नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में, जैसे मान लो ये मैंने एक वेक्टर दे रखा है, इसको मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया, हाफ से किया तो आधा हो गया, दो से किया तो डबल हो गया, माइनस से किया तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन वेक्टर से। वेक्टरों किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते ये फर्क पड़ता है। दो पॉइंट दे रखे हो तो आपको डी आर एस निकालने पी क्यू के, तो कैसे निकालोगे अभी, है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जे टू माइनस जे टू, ऐसे करके दो पॉइंट के डी आर एस निकाले जाते हैं, है ना। डी आर एस मतलब वही ए बी सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ये तो अपन पढ़ी चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला पीछे। ठीक है ना, तो इसको देख लेना आप आराम से। सेक्शन फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पीछे भी थोड़ा देर पहले, है ना। इसको फॉर्मूले को याद रखना कैसे बनता है, बस वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ हो गया पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर आपको देख पा रहे हो कि दोनों वेक्टर अगर की डायरेक्शन सेम हो तो पैरेलल वेक्टर होता है। सेम हो, अपोजिट हो जब भी चलता है, सेम होगी तो लाइक कहेंगे, अपोजिट होगी तो अनलाइक कहेंगे। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, है ना। ठीक है, आपसे कर दिया हो गया अनलाइक, है ना। वेक्टर ये आ गया कोलिनियर वेक्टर, मतलब जो वेक्टर पैरेलल है आपस में, लाइक अनलाइक, वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, है ना, ओके। अब आ गया कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब ऐसे सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, एडिशन थ्योरम तो अपन पढ़ ही चुके हैं अभी ट्रायंगल की। ठीक है ना, ये आपका एक्सटर्नल वाई सेक्टर, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जो रेशियो है थ्री पॉइंट का 1:1 है तो वो मिड पॉइंट होगा, और क्या, वो भी अपन पढ़ चुके हैं कैसे निकाल जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, अपन आगे बढ़ते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब भी सारे वेक्टर को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, अब आ गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, जब भी किसी कॉन्स्टेंट से, बहुत सारे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर को, अगर वो जीरो दे रखा है और उसके जीरो होने का रीजन क्या है, सारे कॉन्स्टेंट खुद ही जीरो थे, तो उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि जब किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है सारे वैक्टर्स को, लेकिन वो कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं, वैक्टर की वजह से जीरो है, तो उसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर का मतलब होता है बच्चों, जो पैरेलल वैक्टर हो, है ना, दो हो गए तो पैरेलल हो, दो या दो से ज्यादा है तो कोप्लेनर वेक्टर, ये सारे कहलाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ये खुद की वजह से जीरो होते हैं, कांस्टेंट की वजह से जीरो नहीं होते। तो जब भी लीनियरली डिपेंडेंट आपसे कहा जाए, तो आप पैरेलल मानना दो वेक्टर, तो तीन वेक्टर तो कोप्लेनर मानना, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कर देना, और अगर दो वेक्टर है तो उनके कोएफिशिएंट के रेशियो सेम कर देना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाएगा, यहाँ भी वही समझा रखा है आपको। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो, तीन वेक्टर का कोप्लेनर है तो उनके डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कर देना। देखो मैंने याद दे रखा है कि तीन वेक्टर आपको कोप्लेनर बोला जाए या लीनियरली डिपेंडेंट बोला जाए तो उनके डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कर देना, बस इतनी सी बात है।
यहाँ पर जो मैंने आपको नोट लिख रखा है, नोट में मैंने सारी चीजें अभी बता दी आपको कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, दो वेक्टर अगर तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, मतलब मैंने बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। चलिए अगर नहीं होंगे तो नोट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये सारी चीजें हम आराम से कर सके हैं। अब चलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकल जाता है बच्चों। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। दो वेक्टर दे रखे, उनके बीच में एंगल दे रखा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, मतलब ए बी कॉस थीटा निकाल जाता है, ठीक है। इनके बीच में अगर हाँ, तो ये रिजल्टेंट है आराम से, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। ओके ठीक है, तो अपन इसको आराम से देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो आप इसका क्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दे रखा है ये पोज की बात करता है, वर्क डन की बात करता है, एब्डोमेन्स, है ना, ठीक है। और अगर अपन बात करें ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली आपको दिखाएगा कि एक वेक्टर दे रखा है और दूसरे का उस पर प्रोजेक्शन दे रखा है, तो ये उसका होता है। ये अपन आराम से कर सकते हैं गौरव, प्रोजेक्शन। हाँ, इस पर क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं कि ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है तो ए डॉट बी कर लो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो जिस पर होता है ऑन। जैसे यहाँ दूसरे वाले में ए पर था तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया अपन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता भी, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता भी कि बाई सेक्टर होता है तो दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका बाई सेक्टर कैसे निकालोगे, दोनों के यूनिट वेक्टर करके एड कर दो, लेबर लगा दो, प्लस कर दोगे तो इंटरनली हो जाएगा, और बीच में माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा एक्सटर्नली, ठीक है। दोनों के यूनिट वेक्टर को एड करो, सेपरेट करो लेमडा टाइम्स करके, तो आप उसका बाई सेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देख लो कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, वन, है ना, और अदर से मल्टीप्लाई करते हो जीरो होता है, ठीक है। ये बस जाते हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एक बार इनको देख लेना, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हो अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई वेक्टर अलोंग दिया गया है, अलोंग वेक्टर वो होता है बच्चों जो प्रोजेक्शन होता है, बी का प्रोजेक्शन हो गया ए पर, वो होता है अलोंग वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं, ट्रेंगल लो लगा के ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे परपेंडिकुलर, ये तो हो गया अलोंग वाला, है ना, अलोंग वाला कौन सा होता है, जो बी का ए पर प्रोजेक्शन है वो वाला, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर आपको बी में से आपको अलोंग वाला हटाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी जो आपका है डायगोनल में रिजल्टेंट है उसमें से एक को हटाना पड़ेगा, तब जाकर अलोंग वाला हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा। ये भी पूछा जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर पूछा जाता है या परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो वेक्टर का को एड कर रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट, ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, है ना, ध्यान रखना उसको फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला आराम से निकल जाता है, दो वेक्टर दे रखे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, है ना, ये निकल जाता है आराम से, ठीक है। तो अब अगला आ गया एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है बच्चों दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए, कि अगर आपको एंगल दे रखा है तो डी आर एस दे रखे तो उनका फॉर्मूला लगा देते हैं अपन ऐसे ही, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये अब आ गया क्रॉस प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, अब देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ए क्रॉस बी को लिखते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी का पहले तो मैग्नीट्यूड, फिर उसकी यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन, ठीक है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जाता है बच्चों, इसको लिखा जाता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेना, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन डॉट और क्रॉस से रिलेटेड आते हैं बच्चों, है ना, ध्यान रखना इस पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इजी हमारे शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में देखा होगा आपने, है ना। तो अभी तो मैं पूरा बता रहा हूँ, लेकिन इनमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बताता जा रहा हूँ बीच बीच में। जैसे अभी ये प्रॉपर्टी होगी एक रोज बी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एक रोज बी के, एक रोज ए क्या होता है, जीरो होता है लिखा हुआ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है आराम से अपन जानते हैं। आई का जैसे, आई को अगर जैसे क्रॉस करोगे, देखो यहाँ पे आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है। आई का जैसे गया तो के आएगा, जे का के से गया तो आई आएगा, के का आई से गया तो जे आएगा। अगर उल्टा कर लिया आपने, इस जो सिक्वेंस को उल्टा कर लिया तो माइनस में आंसर आएगा,
जैसे आपने जी क्रॉस आई कर लिया तो माइनस ऑफ क्या आएगा, इस सीरीज में चलोगे तो प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख दो आई जे के करके, तो ऐसे निकाल सकते हो आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी, तो उसका यूनिट वेक्टर मांगा जाए तो ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, है ना, और जिसका मैग्नीट्यूड भी दिया रखा हो तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसका हो गया फिजिकल इंटरप्रिटेशन, क्या होता है, होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जो मोमेंट ऑफ फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वो होता है इसका। ठीक है, आपसे ज्योमेट्रिकल अगर इसका पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दिखाता है कि अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है उसके डायगोनल दे रखे हैं तो उसका एरिया निकाल सकते हो आप हाफ ए क्रॉस बी करके, है ना, एक अगर आपको रेक्टेंगल का ही चारों साइड दे रखी है तो उसका एरिया भी निकाल सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेकर। ठीक है, एक ट्रेंगल दे रखा है तो ट्रेंगल का कैसे निकाल सकते हो, हाफ ए क्रॉस बी करके। ठीक है ना, ओके, ए बी क्रॉस ए सी, सॉरी, जैसे मान लो अगर दो वेक्टर दे रखे हैं साइड वेक्टर हो गए तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी तो भी वहां पर रख देना, जैसे ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने हाफ ए बी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो काम आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे जे के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आप देख सकते हो जरा सा, है ना, कि मान लो तीन वेक्टर का ऐसा दे रखा, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है डॉट और क्रॉस में वो तो इसी से आसानी से सोल्व हो जाती है, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो देख लेना इसको कि तीन वेक्टर अगर दे रखे हों ए क्रॉस बी डॉट सी, तो उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सोल्व किया जाता है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई जाती है, इसी वजह से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बैठा दी उन्होंने। देखो पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन आता था कि पेंडलो पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता था बॉक्स ए बी सी, लेकिन वो हट चुका है। अगला आता था टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम 1/6 ए बी सी, अगर आपको वो चीज दे रखी तो एजेस दे रखी तो एडवांस में आता था, एडवांस में तो आएगा अभी भी ये, है ना, तो देख लो इसको, है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की ही प्रॉपर्टीज है ना, राइट हैंड सिस्टम है तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी ए बी सी की, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड तो नेगेटिव, तो ये देख लेना। अब आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी जनरली आएगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना भी, क्योंकि अपन के डॉट और क्रॉस के क्वेश्चंस को आसान कर देगा थोड़ा। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं इसका, पहले अपन पांच पांच में डॉट लगाते हैं, बीच पांच बाकी वालों को छोड़ देते हैं माइनस, फिर दूर दूर वाले में डॉट लगाते हैं, नहीं चलो पहले दूर वाले में डॉट लगाते हैं, फिर बचाओ वेक्टर माइनस, फिर पांच पांच में डॉट, फिर बचाओ वेक्टर। ठीक है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है, कि ऐसे वेक्टर जिनको आपस में डॉट करने पर वन आ जाए, ओके लगता है। ठीक है, अब आ गया अपना आखिरी टॉपिक थ्री। ठीक है, थ्री में काफ़ी सारी चीज़ ज्योमेट्रिक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देख लेना आराम से कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन, है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। आपसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ किसी पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देना। ऐसे ही वाई से पूछा जाए तो उसके एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देना, खत्म। तो इस तरीके से निकाल जा सकता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी तो हमको आती है। ये ऑक्टेंट के बारे में अपन भाई बात कर चुके हैं अभी वेक्टर में, है ना, डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट ये भी बात कर चुके हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला भी बात कर चुके हैं, वहाँ पर सेंट्रोइड एंड सेंटर सब बात कर चुके हैं। ये आ गया आपका टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन है उसका जो सेंट्रोइड होता है वो होता है चारों के एक्स वर्टेसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके फोर से डिवाइड कर दो, चारों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके फोर से डिवाइड कर दो, ऐसे जेड के साथ कर लो, तो ये उसका सेंट्रोइड होता है। आगे चलते हैं, हाँ ये भी पढ़ चुके हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, है ना, एलिमेंट है, इनका स्क्वायर कितना होता है, इनका स्क्वायर सम होता है वन, ये अपन पढ़ चुके हैं। स्पेयर की बात कर लेते हैं, स्पेयर सर्कल की तरह होता है बच्चों, जिसमें जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, तो ये सर्कल की क्वेश्चन की तरह हो गया। ठीक है ना, अब देखो नीचे जो जन ये इस एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जनरल इक्वेशन जैसे अपन के सर्कल में पढ़ी थी उसी तरीके यहाँ भी होगी, है ना, सेंटर वन माइनस जी को माइनस एफ होता था, यहाँ माइनस एच भी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के मतलब सोल्व कर सकते हैं इसको। अब डायरेक्शन ऑफ रेशो देखते हैं अपन, एक लाइन के, लाइन के मतलब एक्स एक्सिस के खुद के क्या होंगे, खुद से तो जीरो डिग्री बनाएगा, बाकी से 90 90, तो डी आर एस क्या हो जाएंगे उसके 100 0, दूसरे के 0 10 और तीसरे के जेड के हो जाएंगे 0 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, ये एंगल वंगल सब निकालना आता है मुझे, कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके कोएफिशिएंट के जो सेम होंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो उनके
डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ए वन बी वन ए टू ए टू सी ए थ्री बी थ्री ए थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो। एलिमेंट में लाओगे तब भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। अब एक लाइन की बात की जा रही है कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है जिसके डी आर एस दे रखे हैं ए बी सी। देखो मैं तो पहले आपको डी आर एस समझाता हूँ कि एलिमेंट के रेशियो में जो होते हैं ना ए बी सी, ये आपके डी आर एस होते हैं, राइट साइड कोसाइन के रेशियो में ए बी सी होता है, ठीक है ना। अच्छा लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, मान लो किसी पॉइंट से गुजर रही है लाइन, है ना, मान लो x1 कोमा y1 कोमा z1 से गुजर रही है, ठीक है। तो x माइनस x1 पॉइंट अपॉन a इसका डी आर एस है, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, तो इसका डी आर एस तो हो गया ए बी सी और ये कहाँ से गुजर रही है, x1 y1 z1 से। तो इस तरीके से दिखाया जाएगा और दो पॉइंट से गुजरने वाली अगर लाइन निकालनी हो तो डी आर एस निकाल लो किसी एक पॉइंट को, तो फुट कर दो। और डी आर एस कैसे निकालेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये बना दिया मैंने z2 माइनस z1 ऐसे करके, ठीक है। पहले पॉइंट से गुजार सकते हो, सेकंड से गुजार सकते हो, तो इस तरीके से लाइन की इक्वेशन निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सब लाइन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनको देख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म, लाइन के अपन कार्टेशियन फॉर्म तो देख ही चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, है ना। तो कर डालना आराम से, डायरेक्शन ऑफ रेशियोज कैसे निकालते हैं ये बता ही दिया मैंने आपको, एलिमेंट कैसे निकालोगे, है ना। तो ये कर एंगल बिटवीन टू लाइंस, वही दोनों लाइन के डीआरएस निकाल लो और कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, वही दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। पॉइंट और लाइन, हाँ अगर एक लाइन पर आपको एनी पॉइंट मानना है तो लेमडा मानकर आप पूरा पॉइंट निकाल सकते हो, लेमडा मानकर, ठीक है ना, हाँ। और अगर उसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालनी या फिर फिट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों, पहले लाइन के डीआरएस निकाल लो, फिर वो लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डीआरएस निकाल लो और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एनी पॉइंट मान ली लाइन के ऊपर, वही मान लिया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन जहां से गुजर रही वहां पर अपन डीआरएस निकाल लेंगे, लाइन के डीआरएस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से अपन फिट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, अगर फिट ऑफ या मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर अपन निकाल लिया। अब देखो मान लो आपसे इमेज पूछ जाए कि पी पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में, तो आप मुझे बताइए ये जो पी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है जो इमेज तक जा रही है, वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमने निकाल लिया था, जो इमेज और उसका मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट निकाल लेना, इसको इमेज को एबीसी मान के, वो पॉइंट तो पी पॉइंट तो आपके पास है ही, मिड पॉइंट भी आ गया तो मिड पॉइंट भी तुम लगा के एबीसी निकाल देना, ऐसे इमेज निकाली जाती है बच्चों, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जिसके क्वेश्चन आती हैं मैंने आपको बता दिया, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, जिसको हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में भी लिया था, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पहले ए बी भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने निकालना सिखाया था वहाँ पर। ए बी डॉट एंड वेक्टर, एंड वेक्टर क्या होता है, दोनों का दोनों की डायरेक्शन होती है ना उनका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दोनों स्क्यू लाइन है तो एंड वेक्टर क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, एन वन और एन टू का। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर होता है आपका, एन वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों, क्योंकि दोनों अगर पैरेलल है तो एन वेक्टर तो दोनों में से किसी एक का डीआरएस ले लो, ठीक है, तो वही निकाल जा सकता है। अगर स्क्यू लाइन है तो एन वन क्रॉस एन टू, और अगर पैरेलल लाइन है तो सीधा वही एक दोनों में से कोई भी डीआरएस रख दो तो निकाल सकते हैं। ए बी क्या होता है, ए पहली लाइन पर पॉइंट होता है, बी होता है दूसरी लाइन पर पॉइंट जहाँ से लाइन गुजर रही है, ठीक है, तो हम ईजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो देखते चलो इसको। और इसके बाद आप बात देख लेना कि जो अपना वो दरखा है डॉट और क्रॉस में जो आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह कर लेना, मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में दे रखा है इसी नीचे ना, देख लेना, आपको अगर पता नहीं है तो वीडियो में जाके देख सकते हो पीछे जाके, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है और ये 12 चैप्टर हो गए, इनको अच्छे से रिवाइज करना, इसी के लिए मैंने आपके लिए इतना बड़ा वीडियो बनाया है, 2 घंटे का, 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट तक का जाएगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी इक्वेशन कि कैसे निकाली जाती है, वैसे उस फॉर्म में निकालना भी थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है, अब आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना, ये आपको 21 क्वेश्चन तो पक्का देंगे, ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करना बच्चों से, है ना।